हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूं। जी हां, मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई, इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई, उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई, इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताए, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई, जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों, कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना, माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई, इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई, उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई, इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई, जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों
कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें
जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा मुझे लगा ना खत्म ही ना हो
बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना, माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई।
क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों,
पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब एनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई।
तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये
भी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है बहुत ही पुराना चीज़ों को जो कि राम भगवान लक्ष्मण भगवान सीते भगवान हनुमान जी जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है लक्ष्मण भगवान है सीता भगवान है और हनुमान जी हैं जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग आप लोग मतलब क्या बताएं मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई लगेगा कि खत्म ही ना हो बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं बट क्या करें मेरे दोस्तों जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा मुझे लगा ना खत्म ही ना हो बस देखता रहा दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा मैं बता रहा हूँ आपको सच में बता रहा हूँ आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी। हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों कि ये जो मूवी है भाई ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वो भी हनुमान जी का है और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है हनुमान जी पे आधारित है जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं मतलब मोटिवेट हो जाते हैं मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग
वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई तो लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोगों को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद
पसंद आया है वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को, मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोगों को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।
हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई, इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई, उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब एनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई, इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों, कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना, माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई, इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई, उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई, इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना, माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों,
मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों
कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन
जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोगों को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताए, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो,
बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई।
क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा
बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना, माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है।
तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान,
लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा,
आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है बहुत ही पुराना चीज़ों को जो कि राम भगवान लक्ष्मण भगवान सीते भगवान हनुमान जी जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है लक्ष्मण भगवान है सीता भगवान है और हनुमान जी हैं जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे भाई क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग आप लोग मतलब क्या बताएं मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई लगेगा कि खत्म ही ना हो बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं बट क्या करें मेरे दोस्तों जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों तो भाई देखता रहा मुझे लगा ना खत्म ही ना हो बस देखता रहा दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा मैं बता रहा हूँ आपको सच में बता रहा हूँ आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत जय माता दी। हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों कि ये जो मूवी है भाई ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है वो भी हनुमान जी का है और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है हनुमान जी पे आधारित है जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं मतलब मोटिवेट हो जाते हैं मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों मतलब इस मूवी के देखने के बाद क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को
पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है, क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोगों को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद
पसंद आया है वो भी हनुमान जी का है, और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करें और जल्दी ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को, मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है, हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को, बस इतना ही आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोगों को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोगों को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए, तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए, चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।
हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ मैं दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोग को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताए, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में।
तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ, मैं दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि आखिरकार हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं बता दूँ कि इस सीरीज मतलब इस मूवी के बारे में, जो कि इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा लोगों में एकदम अच्छी तरीके से ना उत्साहित जगा दिया है मेरे दोस्तों, कि ये जो मूवी है भाई, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो भी हनुमान जी का है। और इस मूवी का नाम है द लेजेंड ऑफ हनुमान जी। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी हनुमान जी का है, हनुमान जी पे आधारित है, जो कि इस मूवी को देखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मतलब मोटिवेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मेरे दोस्तों, मतलब इस मूवी के देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी का जो भी मूवी है ना मेरे भाई, ये जो मूवी है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा इस मूवी को पसंद किए हैं और कर भी रहे हैं। तो भाई, इस मूवी को देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा लोग वेट भी कर रहे हैं, मतलब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये मूवी कब आएगा और हम कब देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को ये मूवी जल्दी देखने को मिल जाएगा, आप लोग बिल्कुल इंतजार करें और जल्द ही ये मूवी देखने को जरूर मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो भाई, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि आखिरकार ये मूवी आप लोगों को कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं कि इस मूवी को मतलब स्टोरी बताने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि इस मूवी में आप लोगों को रामायण से रिलेटेड जो कि है देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा मेरे भाई कि रामायण आखिर होता क्या है। हिंदू धर्म का एक मूवी टाइप का है, जो कि उसमें सब कुछ प्राचीन मतलब उसमें दिखाया गया है, बहुत ही पुराना चीज़ों को, जो कि राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, सीते भगवान, हनुमान जी, जो कि सबके बारे में उसमें दिखाया गया है कि आखिरकार कैसे थे, कैसे पहले लोग रहा करते थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, पूरा सच्चाई उसमें बताया गया है। तो भाई, उसी टाइप का ना एक और सा जो मूवी आ रहा है ना, उसी टाइप का ही इसमें दिखाया गया है, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आखिरकार रामायण में होता क्या है। तो भाई, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये मूवी अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक फील करिएगा, मतलब इनर्जी आएगा मेरे दोस्तों कि आखिरकार ये मूवी इतना अच्छा कैसे है। क्योंकि मेरे भाई, इसमें राम भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, सीता भगवान है और हनुमान जी हैं, जो कि आप लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोचक लगने वाला है मेरे दोस्तों। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखिए मेरे भाई, क्योंकि मेरे दोस्तों ये हिंदू धर्म का एक बहुत ही जबरदस्त मूवी होने वाला है। तो भाई, मैं इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई अपना हनुमान जी का मूवी है, जो कि आप लोगों को देखने में भाई इंटरेस्टिंग, आप लोग मतलब क्या बताएं, मतलब आप लोग देखिएगा ना भाई, लगेगा कि खत्म ही ना हो, बस देखता ही रहे, देखता ही रहे। मेरे को तो ऐसा ही लगा मेरे भाई जब मैं देख रहा था ना शुरू से, तो भाई मैं सोचा कि चलो देखते हैं, बट क्या करें मेरे दोस्तों, जब देखने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो भाई देखता रहा, मुझे लगा ना खत्म ही ना हो, बस देखता रहा, दिन भर देखता रहा इस मूवी को। तो भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस मूवी को देखने में। तो भाई, आप लोग जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों इस मूवी को। बस इतना ही आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग जरूर इस मूवी को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें जामन जो रहते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देते हैं हनुमान जी को, जो कि हमेशा साथ में रहते हैं और सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार मतलब सच क्या है और झूठ क्या है, और इसमें बताते हैं कि गलत और सही क्या है, जो कि आप लोग को भी इस मूवी को देखना चाहिए मेरे भाई। बाकी मैं आप लोग को और इतना ही कह सकता हूँ मेरे दोस्तों,
कि आप लोग इस मूवी को देखने के बाद ना एक अलग ही फील करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, सच में बता रहा हूँ, आप लोग अलग फील करिएगा इस मूवी को देखने के बाद। आप लोग एकदम से एक होता है ना माइंड चेंज हो जाएगा कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस मूवी को देखने के बाद चेंज हो जाइएगा, मैं इतना गारंटी कह रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस मूवी को जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छी मूवी के साथ में, और मिलते हैं एक मूवी के अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इस मूवी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए हम चलते हैं अगली मूवी की तैयारी के लिए। चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।